हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक चोरी से। एक चोर न्यूयॉर्क की एक बिल्डिंग में घुसा है। ये बिल्डिंग एक ऑफिस बिल्डिंग है। यहाँ हमारा सामना इस चोर से होता है। इस चोर का रियल नाम रॉबर्ट मैक मैकडॉल है। रॉबर्ट एक प्रोफेशनल चोर है। इंटरनेशनल आर्ट को चुराने में उसे महारत हासिल है। यहाँ हम देखते हैं कि रॉबर्ट एक रेम्ब्रांड को चुरा रहा है। बड़ी चालाकी से वो इस चोरी को अंजाम देता है और रेम्ब्रांड को लिए यहाँ से चला जाता है। इस केस को फिलहाल देख रही है वर्जीनिया और उसका साथी। वर्जीनिया अंडरकवर इन्वेस्टिगेटर है। वो इस केस की छानबीन में अपने साथी से कहती है कि जो रेम्ब्रांड चोरी हुआ है इसमें ज़रूर रॉबर्ट का हाथ है। उसका साथी कहता है रॉबर्ट को इन सब छोटी मोटी चोरियों को अंजाम देने का कोई मतलब नहीं है। वो तो ऑलरेडी इतना फेमस चोर है और अब उसे पैसों के लिए चोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर वर्जीनिया जो उसकी बातों से कन्विंस नहीं हो रही, उसे पूरा यकीन है कि ये काम रॉबर्ट का ही है। वो रॉबर्ट को फॉलो करना शुरू करती है, उसके डेली रूटीन पर नज़र रखती है। इसके बाद प्लानिंग के तहत वह उसके सामने आती है। इस समय वो कम कपड़ों में है। रॉबर्ट उसे देखकर उसे पूछता है कि आखिर वो उसे क्या चाहती है। या वर्जीनिया कहती है कि उसका सामान चोरी हो गया है और अब वो एक प्लान में उसके साथ काम करना चाहती है। रॉबर्ट कहता है कि ऐसे वो किसी को अपने साथ शामिल नहीं करता। वो पहले टेस्ट लेता है। वर्जीनिया कहती है वो किसी भी टेस्ट के लिए तैयार है। इसके बाद रॉबर्ट ने वर्जीनिया को एक असाइनमेंट दिया है। एक स्टोर से उसे वास चुराना है। रॉबर्ट वर्जीनिया को एक कार्ड देते हुए कहता है कि उसे इस कार्ड के थ्रू अंदर जाना है और वास को चुरा कर लाना है। वर्जीनिया इस कार्ड का इस्तेमाल करके स्टोर के अंदर जाती है। वो ओनर से वास मांगती है। ओनर उसे एक नकली वास पकड़ाता है। वर्जीनिया कहती है कि उसे ये नहीं बल्कि स्पेशल वाला वास चाहिए। इस पर ओनर समझ जाता है कि वर्जीनिया कोई चोर है। वो उस पर अटैक करता है, पर वर्जीनिया किसी तरह यहाँ से निकलने में कामयाब हो गई है। वो आकर रॉबर्ट के कार में बैठ जाती है। रॉबर्ट कार को भगाना शुरू करता है। रॉबर्ट या वर्जीनिया को फेल मान लेता है। वो कहता है कि तुम ये असाइनमेंट पूरा नहीं कर पाई। इसके बाद वर्जीनिया अपना सीक्रेट ओपन करती है। वो एक बॉक्स को खोलते हुए दिखाती है और कहती है कि उसने मिशन को अंजाम दे दिया है। अब इसके बाद रॉबर्ट वर्जीनिया को अपने असाइनमेंट में शामिल करने को तैयार हो गया है। वो कहता है मेरे काम का पहला रूल है कि हम कोई गन नहीं रखते। इसे हम ना गन रखेंगे और ना ही हम किसी पर चलाएंगे। वर्जीनिया इसे कबूल कर लेती है। इसके बाद रॉबर्ट अपने प्लानिंग के बारे में बताता है। वो कहता है कि वो स्कॉटलैंड जाने वाले हैं। स्कॉटलैंड में चोरी का प्लानिंग करेंगे। इनकी प्लानिंग है कि ये एक चाइनीज़ मास्क को चुराएंगे। ये मास्क एक वेल गार्डेड बेडफोर्ड पैलेस में रखा हुआ है। स्कॉटलैंड में रॉबर्ट का साथी आरुन आता है। यहाँ आरुन के बारे में पता चलता है कि आरुन दरअसल रॉबर्ट का खास है। चोरी में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ों को आरुन उसे सप्लाई देता है। अभी सभी चोरी के प्लानिंग को अंजाम देने में लगे हैं। इतने वर्जीनिया अपने बॉस को कांटेक्ट करती है। हेक्टर को एक पे फोन से फ़ोन करती है और कहती है कि रॉबर्ट क्या प्लानिंग कर रहा है। कभी कभी रॉबर्ट को वर्जीनिया पर शक होता है, पर वो इसे दरकिनार कर देता है। एक बार तो इसकी बातें भी सुन लेता है, पर फिर भी उसे पूरा यकीन नहीं हुआ। एक बार वर्जीनिया रॉबर्ट को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वो अपने कम कपड़ों में रॉबर्ट को अपने नज़दीक बुलाती है। वो उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाना चाहती है, पर रॉबर्ट है जो इन सब से इनकार कर देता है। उसे वर्जीनिया के इरादों पर शक होने लगा है। इसके बाद ये मास्क को चुराने जाते हैं। जिस बिल्डिंग में मास्क रखा हुआ है वो एक वाटर बॉडी से लगा है। इस बिल्डिंग को चारों तरफ से देखने के बाद ये प्लानिंग को अंजाम देना शुरू करते हैं। ये पीछे की वाटर बॉडी से एक रास्ता बनाते हैं और उसके बाद इसमें घुसकर मास्क को चुराना शुरू करते हैं। मास्क चुराने के बाद रॉबर्ट वर्जीनिया से कहता है कि तुमने ऑलरेडी मास्क को बेचने की प्लानिंग कर ली है और तुमने एक बायर भी ढूंढा है कुआलालंपुर में। यहाँ पर वर्जीनिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इंश्योरेंस एजेंसी के लिए काम करती है। पर वास्तव में वो इस चोरी को अंजाम देना चाहती थी, पर उसने इससे भी बड़ा प्लान बनाया है। वो कहती है कुआलालंपुर में $8 बिलियन चोरी करने का उसका इरादा है। ये सब इंटरनेशनल क्लियरेंस बैंक से करेंगे। रॉबर्ट फिलहाल वर्जीनिया के इस प्लान में शामिल होने के लिए तैयार हो गया है। इन सब में हेक्टर अपनी टीम के साथ वर्जीनिया को कन्फ्रंट करता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें रॉबर्ट को पकड़ने के लिए भेजा था और तुम खुद उसके साथ मिलकर चोरी करने लगी। या वर्जीनिया कहती है कि वो सही मौके का इंतज़ार कर रही है और जैसे ही मौका हाथ लगेगा वो रॉबर्ट को उसके हवाले कर देगी। इन समय वर्जीनिया और रॉबर्ट में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी हैं। दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स रखते हैं और इसके बाद दोनों यहाँ हमबिस्तर भी होते हैं। अब रॉबर्ट और वर्जीनिया ने प्लानिंग को अंजाम देना शुरू कर दिया है। वो प्लानिंग करते हैं कि सन 2000 मिलेनियम के शुरू होने के ठीक पहले ये चोरी को अंजाम देंगे। इस समय हेक्टर और उसकी टीम पूरी सिक्योरिटी पर नज़र रखे हुए हैं।
इन सब के बावजूद वर्जीनिया और रॉबर्ट 2000 सन के शुरू होने के ठीक कुछ सेकंड्स पहले चोरी को अंजाम दे देते हैं। यहाँ पर वर्जीनिया प्लग को पुल करती है, इससे अलार्म सेट ऑफ हो जाता है। दोनों यहाँ से बचने की कोशिश करते हैं, ये एक कंप्यूटर वॉल्ट से निकलते हैं। यहाँ से भागते हुए मजबूरन बिल्डिंग के उस जगह पर पहुँचे हैं जहाँ एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग से लाइट्स के थ्रू जुड़ी हुई है। ये लाइटें वायर से लगी हैं। अब इन्हें मजबूरन इस वायर पर चढ़कर दूसरी बिल्डिंग में जाना है। ये दोनों जाना शुरू करते हैं पर तुरंत ही नीचे की वायर टूट जाती है। यह दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। वर्जीनिया और रॉबर्ट वेंटिलेशन शाफ्ट में जाते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि दोनों बच नहीं पाएंगे। तभी रॉबर्ट अपना प्लान बी ओपन करता है। वो कहता है कि उसने मिनी पैराशूट रखे हैं, इस पैराशूट के जरिए दोनों निकल जाएंगे यहाँ से। पर यहाँ पता चलता है कि वर्जीनिया अपना पैराशूट खो चुकी है। रॉबर्ट उसे अपना पैराशूट देता है और कहता है कि तुम यहाँ से बचकर चली जाओ। वर्जीनिया कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। यहाँ रॉबर्ट कहता है कि एक पैराशूट से अगर हम दोनों जाएंगे तो दोनों मारे जाएंगे, तुम इस पैराशूट से चले जाओ और मैं किसी भी तरह तुम्हें स्टेशन पर मिलूँगा। ये पुडु ट्रेन स्टेशन पर मिलने की प्लानिंग करते हैं अगले दिन सुबह। अगली सुबह प्लानिंग के तहत वर्जीनिया स्टेशन पर पहुँच गई है। वो रॉबर्ट का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही है। कुछ इंतज़ार के बाद यहाँ पर रॉबर्ट आता है, पर तुरंत ही यहाँ पर एक नया सस्पेंस खुलता है। यहाँ आरोन भी आया है। वर्जीनिया रॉबर्ट से पूछती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। यहाँ रॉबर्ट बताता है कि आरोन ने रॉबर्ट को 2 साल पहले अरेस्ट कर लिया था, उसके बाद इन दोनों में डील हुई थी और उसके तहत दरअसल अब तक रॉबर्ट आरोन के लिए काम कर रहा था, उसे अरेस्ट कराने के लिए। यहाँ आरोन के साथ हेक्टर की टीम भी आती है और सारे FBI एजेंट्स भी आ जाते हैं। यानी अब तक कहानी में जो चोर था वो वास्तव में पुलिस निकला, पुलिस के लिए काम करता था, और जो इन्वेस्टिगेटर थी वो चोर निकली। अब जब वर्जीनिया पकड़े जाने को है तब वो उदास है। यहाँ रॉबर्ट वर्जीनिया से कहता है कि उसने एक प्लान सी भी बनाया है, वो वर्जीनिया को यहाँ से स्केप करा सकता है। यहाँ रॉबर्ट ये भी बताता है कि उसने अब तक जो भी चोरी अंजाम दी है उन सब को आरोन और उसकी टीम को सौंप दिया है। यहाँ तक उसने $7 बिलियन जो चुराए थे उसे भी सौंप दिया है। इस पर वर्जीनिया पूछती है कि $1 बिलियन कहाँ गया। यहाँ रॉबर्ट कहता है कि $1 बिलियन उसने उसके लिए रखे हैं। वो एक एनवलप में जिसमें कि चेक है वो वर्जीनिया के पॉकेट में डालता है, दूसरी पॉकेट में वो एक गन डालता है और कहता है कि इस गन्स के थ्रू वो यहाँ से बचकर भाग सकती है। कुछ देर के बाद वर्जीनिया गन को निकालती है और रॉबर्ट पर तान देती है। रॉबर्ट को कवच की तरह इस्तेमाल करते हुए वो पुलिस के सामने यहाँ से बचने की कोशिश करती है। इतने में यहाँ ट्रेन आ जाती है। वर्जीनिया रॉबर्ट से कहती है कि वो भी उसके साथ चले। रॉबर्ट इन सब से इनकार कर देता है। इसके बाद वर्जीनिया ट्रेन में चढ़ जाती है। FBI की टीम उसे पकड़ने जाती है पर वो नाकाम हो गई है। FBI की टीम भी अगले स्टेशन पर खड़ी वर्जीनिया का इंतज़ार कर रही है। इधर स्टेशन पर हम देखते हैं कि रॉबर्ट अकेले बैठा हुआ है, तभी यहाँ पर वर्जीनिया अपीयर होती है। यानी वो अगले स्टेशन के पहले ही ट्रेन से उतर गई थी और वो वापस स्टेशन पर आ गई है। अब दोनों फिर से साथ में हैं, दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। वर्जीनिया कहती है कि वो आगे और भी चोरियों को अंजाम देना चाहती है पर इस बार काम थोड़ा मुश्किल होना चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं कि वो एक क्राउन को चुराएंगे। वर्जीनिया कहती है कि तो बहुत आसान काम है। इसके बाद दोनों एक साथ यहाँ से निकलते हैं और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।